लाखों लोग खदानों में ओर निकालने का काम करते हैं, जिससे हमें अपनी सभ्यता चलाने के लिए काफी सारी धातुएं मिल सकें। जैसा कि हम जानते हैं, अलग ओर से धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता के आधार पर निष्कर्षण की अलग विधियां होती हैं। पर जैसे हमने देखा, ओर से धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया में ज्यादातर तीन चरण शामिल होते हैं, जो हैं केंद्रीकरण या ड्रेसिंग, कच्ची धातु का निष्कर्षण, कच्ची धातु की सफाई या शुद्धिकरण। अब हम ओर्स के केंद्रीकरण या ड्रेसिंग से लेकर हर चरण को विस्तार से समझ लेते हैं। पहला चरण है केंद्रीकरण या ड्रेसिंग। इस चरण में ओर से जितनी ज्यादा अशुद्धियां अलग की जा सके करते हैं। कंकड़, मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां आसानी से अलग हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को एनरिचमेंट ऑफ ओर या ओर को समृद्ध करना भी कहते हैं। अब ओर से अशुद्धियों को अलग करने की कौन कौन सी अलग तकनीकें हैं, आइए देख लेते हैं। भौतिक प्रक्रियाएं जैसे कि हाथ से गंदगी चुनना, धोना, चुंबकीय पृथक्करण और झाग से गंदगी हटाना मुख्य धातु मिश्रण को उसकी अशुद्धियों से अलग करने के लिए काफी है। इसको ओर को समृद्ध करना भी कहते हैं। हाथ से चुनने वाली प्रक्रिया में अशुद्धियां उनके आकार, रंग, बनावट और वजन के आधार पर अलग की जा सकती है। यानी इस तरह से ओर के कणों को हाथ से चुनकर अशुद्धियों को अलग किया जाता है। धोना भी एक और सामान्य प्रक्रिया है। पिसे हुए ओर को ढलानदार सतह पर पानी की धार में बहाकर हल्के कंकड़ों वाली अशुद्धियों को धोकर हटाया जाता है और ओर के कण पीछे छूट जाते हैं। चुंबकीय पृथक्करण वाली प्रक्रिया में चुंबक इस्तेमाल होते हैं। एक और जरूरी प्रक्रिया है ढाक से गंदगी हटाना, जिसमें अशुद्धियों को ओर के कणों के गीला न होने की गुणवत्ता के चलते अलग किया जा सकता है। यानी ओर के कण पानी में नहीं भीगते हैं। प्लवनशीलता दरअसल कैसी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया का इस्तेमाल आमतौर पर सल्फाइड ओर्स के केंद्रीकरण के लिए होता है, जो पानी में नहीं भीगते हैं, जबकि अशुद्धियां पानी में भीग जाती हैं। इस प्रक्रिया में अच्छे से पीसे गए ओर को प्लवनशील टैंक में पानी भरकर डाल दिया जाता है और पाइन का तेल मिला देते हैं। इस मिश्रण में तेज हवा से झाग बनाई जाती है। ऐसा करने से ओर के कण झाग के साथ टैंक की सतह पर आ जाते हैं और उनको आसानी से हटाया जा सकता है, जबकि अशुद्धियां पीछे ही छूट जाती हैं। ओर का केंद्रीकरण या ड्रेसिंग कई तरीकों से की जा सकती है। इनमें से कुछ है हाथ से चुनना, धोना, झाग प्लवनशीलता, चुंबकीय पृथक्करण। अगली कक्षा में हम कच्ची धातुओं के निष्कर्षण के लिए इस्तेमाल होने वाली अलग अलग विधियों को समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।